उदाहरण एक, 1.555 अनंतक बराबर 1.5 के ऊपर बार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 1.555 बराबर 1.5 का बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए सबसे पहले हम माना पी बटा क्यू बराबर 1.5555 इसे हम पहला समीकरण मानेंगे। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर हम पहले समीकरण p बटा क्यू बराबर 1.55555 जिसे हमने पहला समीकरण माना था उसे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 10 p बटा क्यू बराबर 10 गुणित 1.55555 या 10 पी बटा क्यू बराबर 10 को 1.55555 से गुणा करने पर 0.1 स्थान दाईं ओर आगे आ जाता है तो हमें प्राप्त होगा 15.55555। इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। अब आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर दूसरा समीकरण जो था हमारा वो था 10 पी क्यू जो कि बाएं पक्ष में था और पहले समीकरण के बाएं पक्ष में हमारा पी बटा क्यू था तो हम 10 पी बटा क्यू क्योंकि हम इसे घटा रहे तो ऋण पी बटा क्यू बराबर। अब दूसरे समीकरण में दाएं पक्ष में हमारे पास था 15.55555 इस संख्या को पहले समीकरण के दाएं पक्ष में था हमारे पास घटाएंगे 1.55555। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 पी बटा क्यू ऋण पी बटा क्यू में पी बटा क्यू को उभयनिष्ठ जब हम निकालेंगे तो कोष्टक में हमारे पास रहेगा 10 ऋण 1 और उभयनिष्ठ परिमेय संख्या पी बटा क्यू कोष्टक के बाहर होंगी। अब कहीं हम 0.55555 को 0.5555 से घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। फिर 15 को जब हम 1 से घटाएंगे तो हमें 14 मिलेगा तो ये हमें 14 प्राप्त हुआ। अब 10 ऋण 1 बराबर 9 पी बटा q
क्यू बराबर 14, या पी बटा क्यू बराबर 14/9। तो हमने क्या किया, 1.5555 को पी बटा क्यू परिमेय संख्या 14/9 में व्यक्त किया। यह इस उदाहरण का हल है।